टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए कुरेशी का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। हेयर बैंड का बटरफ्लाई डिजाइन है ये, और ये डिजाइन मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, तो अब हम इसे हेयर बैंड पे बनाएंगे। तो देखिए आपने फर्स्ट क्या करना है, यहां से इसके अंदर से आपने एक लूप लेना है। और अगर फ्रेंड्स आप इसका डिजाइन पूरा बनाना चाहती हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहां से आपने फ्रेंड्स देखिए ट्रिपल क्रोशे इस तरह से सिंगल से आपने इस तरह बुनना है। आपने फ्रेंड्स इसके अंदर इस तरह से 11 बार चैन बनानी है इस तरह से। देखिए तो ये देखिए कितनी हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। देखिए 11 हो गई हैं, और अब आप इन्हें एक जगह कर लीजिए। अब आपने देखिए 1, 2, 3 चैन बुनी है, एक बल लीजिए। और देखिए फर्स्ट वाली चैन में आपने जैसे हम सिंगल स्टिच बनाते हैं उसी तरह आपने सिंगल स्टिच कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये पफ स्टिच, वो पफ स्टिच आपने लेना है 4 बार का, 4 टाइम लीजिए, फिर आपने एक साथ बुन दीजिए। इसके बाद आपने देखिए फ्रेंड्स 4 बार आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3 और ये 4, 4 बार आपने डबल क्रोशे से बुना। फिर आपने एक बल लेना है और पांचवी चैन में आपने फिर से पफ स्टिच डालना है, 2, 3 और ये 4, और इन चारों को फिर से एक साथ बुन देंगे। फिर आपने 4 बार डबल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3 और ये 4। देखिए 4 बार बुन लिया, और लास्ट वाली चेन में फिर से पफ स्टिच डालेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी 4 बार का हमने पफ स्टिच डालना है इस तरह से। अब आपने इसे पलटना है, पहले चैन बुन लीजिए 3, 1, 2, 3 और इसे पलटिए। फिर से फ्रेंड्स देखिए पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच ही आएगा, 1, 2, 3 और ये 4, और इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। फिर आपने देखिए डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, 1, 2 और ये 3। देखिए डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, 1, 2, 3। अब आपने क्या करना है, देखिए जो चौथा वाला है ना फ्रेंड्स, देखिए इसके बीच में मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, देखिए ये है इसके बीच में से, देखिए इस तरह से क्रोशिया लेंगे और इसे पकड़ लीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जैसे हम पफ स्टिच बनाते हैं इसी तरह मैंने 8 बार लिया है, और हर दो में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और लास्ट में इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक तरफ की बटरफ्लाई की पत्ती बन जाएगी। फिर आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 1, फिर इस पफ स्टिच के ऊपर भी 1 बार और बुनेंगे, और ये साइड में जो चाली है ना यहाँ, देखिए यहाँ यहाँ भी 1 बार और बुनेंगे, यानी कि बीच में हमने 3 बार डबल क्रोशे से बुना है। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने इसी तरह से इधर के भी इधर भी बनाना है। तो देखिए यहाँ से लेंगे, ये देखिए इस तरह से इतनी ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए इसके अंदर से
क्रोशिया 8 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 8 हो गए। और हमने फिर से हर दो में से पास करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद ये 8 और ये लास्ट में 9। इस तरह से दोनों तरफ से देखिए बटरफ्लाई बन गई है। और अब आपने देखिए डबल क्रोशे से 3 बार, यहाँ 3 है तो 3 बार ही बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, डबल क्रोशे से 3 बार बुन लिया। फिर आपने देखिए पफ स्टिच के ऊपर यहाँ पफ स्टिच डालना है, लेकिन अब हमने 4 बार का डालना है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और ये 4, और इन चारों को एक साथ बुन लेंगे, 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। ये देखिए एक बार और बनवाओ, 3 बार आपने बुन ली चैन, फिर इसे पलटिए, पलटने के बाद फिर से आपने इसके अंदर पफ स्टिच डालना है, 2, 3, 4, और इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। फिर से आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3, ये तो हर बार फ्रेंड्स आपने 3 बार बुनना है। 3 के बाद आपने देखिए यहाँ 4 हो गए, 4 के बाद देखिए जो आपका सेंटर है ना, ये यहाँ आपने फिर से पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3 और ये 4, और इन चारों को एक साथ बुन लीजिए। फिर से आपने 4 बार आपने पफ डबल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ जैसे हमने नीचे बुना था बिल्कुल पफ स्टिच बनाना है 4 बार का, 2, 3 और ये 4, और इन चारों को फिर से बुन देंगे, और 1, 2, 3, इसे पलट लेंगे। फिर से हमने ये बटरफ्लाई की पर बनाने हैं यहाँ पे, देखिए फिर से ये तो इसी तरह बुनेगा, 1, 2, 3 और 4, इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। और डबल क्रोशे से अब हम 3 बार बुनेंगे, 1, 2, 3। अब आपने देखिए ये जो चौथा था ना, यहाँ यहाँ बनाने हमने अब इसके पर, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर देखिए हर दो में से पास करना है, 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर आपने एक यहाँ से इसके बाद देखिए यहाँ यहाँ देखिए इसके बाद जो यहाँ है पफ स्टिच से पहले जो जाली है, यहाँ पर डबल क्रोशे से 1 बार, फिर इस पफ स्टिच के ऊपर आपने 1 बार और बुनना है, और फिर इसके बराबर में जो ये जाली है देखिए यहाँ, मैं आपको खोल खोल कर भी दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स आपको पता चल जाए कि अब कहाँ कहाँ बुनना है। अब देखिए ये जो हमारा था, यहाँ देखिए इस तरह से आपने क्रोशिया डालना है, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और अब आपने हर दो में से निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये 8, 8 के बाद ये देखिए जो पहले का रह जाता है उसको मिला करके ये 9 हो गए इस तरह से। फिर देखिए डबल क्रोशिया से 3 बार और यहाँ 2 और ये 3 और लास्ट में पफ स्टिच बना दीजिए, 2, 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स बस आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, तो मैं ये रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सारी बटरफ्लाई बना ली है देखिए, और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, आप इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स अपने हिसाब से रख सकती हैं, एक दो आपकी ज्यादा भी हो सकती हैं और एक दो आपकी कम भी हो सकती हैं। तो देखिए मैंने जिसके लिए बनाया है उसके लिए मैंने पूरा बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैंने 13 बनाई है। और अगर आप बड़े के लिए बना रही हैं तो 15 भी रख सकती हैं, और छोटे के लिए बना रही हैं तो कम भी रख सकती हैं। बटरफ्लाई 7 से 8 साल के बच्चे का है। और फ्रेंड्स देखिए जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो अब आपने देखिए इसको उल्टा रखना है इस तरह से, देखिए ये उल्टा है और ये भी उल्टा है। अब आपने यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उल्टा सीधा हो जाता है इस तरह से। अब आपने हर चेन में इसके नीचे से लाएंगे इस तरह से, फिर इस चैन से इसके नीचे से लेकर आएंगे, इसे जोड़ देंगे, देखिए हर चैन से इस तरह, हर चैन में से आप इसके नीचे से लाएं और इसे इस तरह से जोड़ दीजिए। बस फ्रेंड्स आपने एक ही बटरफ्लाई को रिपीट करना है, ये किसी को आप गिफ्ट भी करेंगी तो भी बहुत खुश होगी कि आपने उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और उसे बना करके दिया। बाजार का तो फ्रेंड्स सभी दे देते हैं, लेकिन असल खुशी जब होती है जब अपने हाथ से आप उसे कुछ भी छोटी सी चीज़ बना कर देते हैं, वो इस बात को याद भी रखती है कि आपने किसी के लिए कुछ मेहनत करी है। लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल, और अब आपने ये पफ स्टिच वाली को भी इसी तरह से इस तरह से देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है यहां से। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।